संचालित दंडासन करेंगे। आ जाओ, सबसे पहले अधोमुख स्वनासन का अभ्यास करना है। खूब बढ़िया। तो एक तरह से ये एक मान के चलो बड़ा एक स्ट्रॉन्ग आसन है, कई आसनों में ये यूज होता है, तो इसमें अच्छी कमांड लेनी है। पहले तो बहुत धीरे धीरे चल के आओ दोनों हाथों के बीच में, और इसमें ध्यान रखना है कि पाम्स उठे ना आपकी, ठीक है। फिर बैठ जाओ, बैठते समय भी थोड़ा ध्यान रखना है कि पाम्स उठे ना। फिर एक पांव बाहर रखा, फिर दूसरा पांव बाहर रखा, इसमें भी पाम्स ना उठे। हाथ अगर नहीं उठेंगे इसका मतलब आपका संचालन बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। फोल्ड करो, फोल्ड करते समय भी थोड़ा ध्यान रखना है कि पाम्स ना उठें। लेके आओ पीछे, थोड़ा सा प्रेशर रहेगा, चलो पीछे। अच्छा ठहराव देंगे हम यहां पर, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। दोनों पांव से यहां पर पहले मल आसन में आओ, बैठ जाएंगे पूरी तरह से। दोनों पांव से आगे निकाल दो दंडासन। हाँ, ये सांस ली यहां पर, 3 2 1, दोनों पांव को इकट्ठा लेके आओ मलासन। बहुत बढ़िया, दोनों पांव को पीछे छोड़ दो अधोमुख स्वनासन। अच्छी गहरी सांस ली, नीज नीचे गिरा दो, सांस ली अच्छी, और अच्छा किया हाथों को, अच्छा हाथों को मजबूत किया। इनहेल एक्सहेल अच्छा चलता रहे। लगाओ हाथ नीचे, उंगलियां खोल के रखी, दोनों पांव साथ में, 5 4 3 2 1 बारे में बाहर। बहुत सुंदर। तो नीचे से ही फ्लैट रख दिया नीचे, अगर ऊपर उठा के रखा और होल्ड रखा तो ब्रह्मचर्य आसन हो जाएगा। तो ये हुआ हमारा संचालित दंडासन। अब इसके अभ्यास को थोड़ा बढ़ाओ, यहीं से जाओ चतुरंग दंडासन में। ऊर्ध्वमुखी, अधोमुखी, फिर से रिपीट करेंगे इसको, 3 2 1 संचालित दंडासन, ठहराव, 3 2 1 संचालित चतुरंग, ऊर्ध्वमुखी अधोमुखी, ठीक है। यहां तक क्लियर? अब पॉज बढ़ाओ, अब ठहराव बढ़ाओ, ठीक है। बहुत धीरे धीरे चलेंगे अब अंदर, 3 2 1 और गो। बहुत सुंदर, धीरे 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 बाहर निकाले पांव और फिर धीरे धीरे नीचे रख दिए, प्रणाम किया, बहुत धीरे धीरे सांस ली, इनहेल एक्सहेल इनहेल एक्सहेल, और सुखासन में बैठ गए। तो ये जो पॉज है आप इसको और बढ़ा सकते हो, जितना ये पॉज बढ़ता चला जाएगा इसका मतलब आपका कोर उतना स्ट्रांग होता जा रहा है, फिर बड़े एडवांस आसन करने में आपको और सरलता हो जाएगी, ठीक है। आराम करो अभी।